जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं, या फिर अबे खामोश। ये डायलॉग अभी हमारे कानों में सुनाई देता है तो जहन में एक बार फिर वही चेहरा और वही अंदाज सामने आता है जो हर किसी को अपने अभिनय से दीवाना बना दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की, जिनकी डायलॉग डिलीवरी और जिनके अंदाज से हर कोई उनका दीवाना है। यही वजह है कि आज भी अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेता बिहारी बाबू किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। लेकिन आज हम आपको इनकी फिल्मों के बारे में नहीं बल्कि इनकी पत्नी के बारे में बताने वाले हैं, जो आज इन बीते समय में काफी बदल चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं आज वो कहाँ हैं, कैसी दिखती हैं और क्या करती हैं। तो डियर सब्सक्राइबर्स, चलिए जानते हैं बिहारी बाबू की पत्नी के बारे में। बॉलीवुड में अपने दमदार डायलॉग के लिए फेमस अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना में हुआ था, जहां से इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई पूरी की। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1969 में साजन फिल्म से की थी, जिसमें इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, पर इन्हें इस फिल्म से कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई, जिसके चलते इन्होंने खूब मेहनत की और एक दिन इनकी मेहनत रंग लाई जब इन्हें गैम्बलर फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने इतना दमदार प्रदर्शन किया कि इनके आगे फिल्मों की लाइन लग गई और इन्होंने सभी फिल्मों को स्वीकारते हुए बैक टू बैक कई फिल्मों में काम किया, जिनमें दोस्त और दुश्मन, प्यार का रिश्ता, शरीफ बदमाश, विश्वनाथ, काला पत्थर, दोस्ताना और ज्वालामुखी जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को करने के बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया था। इन्हें आखिरी बार साल 2004 की फिल्म आन में देखा गया था। अपने फिल्मी करियर को विराम देने के बाद इन्होंने राजनीति की तरफ अपना रुख किया और वर्तमान में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की तो आपको बता दें कि इनकी पत्नी का नाम पूनम सिन्हा है, जिनसे इन्होंने साल 2080 में शादी की थी। पर अगर बात करेंगे लव लाइफ की तो वो पहली बार एक दूसरे से ट्रेन में मिले थे और दोनों ही पटना से मुंबई जा रहे थे। दरअसल पूनम सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड कर अपने घर जा रही थी तो वहीं शत्रुघ्न FTII ज्वाइन करने पुणे जा रहे थे। हमारी बर्थ एक दूसरे के आमने सामने थी और यहीं से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। 24 घंटे के सफर में दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद दोनों की ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और धीरे धीरे दोनों ने अपने प्यार के रिश्ते को एक्सेप्ट भी किया। साल 1980 में दोनों ने शादी भी कर ली। शादी से 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा लव और कुश सिन्हा हैं और बेटी सोनाक्षी सिन्हा है, जो की बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूनम सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड की फिल्म जिगरी दोस्त से की थी, जिसके बाद इन्होंने आदमी और इंसान, आग और दाग, सबक और शैतान जैसी फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में इन्हें बतौर सपोर्टिंग रोल के तौर पर देखा गया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से शादी करने के बाद इन्होंने अपने फिल्मी करियर को विराम दे दिया। लेकिन आपको बता दें कि वक्त के साथ जैसे ही इनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपने करियर को दोबारा शुरू किया, जहां इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से नहीं बल्कि बतौर पॉलिटिशियन की, जो आज BJP पार्टी की सदस्य हैं। आपको बता दें कि पहले के मुताबिक पूनम सिन्हा काफी बदल चुकी हैं। अपने दौर की मिस इंडिया रह चुकी पूनम सिन्हा आज 71 साल की हो चुकी हैं और इनके वर्तमान के साथ इन पर बुढ़ापे का असर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां इनकी स्किन पर झुर्रियां भी देखने को मिली, जैसे कि आप हमारी इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वेल, तो आपको शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी से रूबरू होकर कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं
और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।